तो दोस्तों आ रहा है नया साल और नया साल में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का क्या कुछ धमाका होगा, इसी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। हर साल पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नया साल का गाना आप सभी के बीच आया था। शायद पिछले साल पवन सिंह का गाना नहीं आया था, लेकिन खेसारी लाल यादव का गाना आप सभी के बीच आया था नया साल का। और नए साल के गाने का बहुत लोगों को इंतजार भी रहता है और नए साल वाला गाना बहुत ज्यादा धमाल भी मचाता है। अब बात रही कि इस साल पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नया साल का गाना आप सभी के बीच आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूँ, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का इस साल नया साल का गाना आएगा और दो चार दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। गाना किस चैनल से आएगा, किसके साथ आने वाला है, कैसा गाना होने वाला है, यानी सब कुछ पता चल जाएगा दो चार दिन में आप सभी को, क्योंकि दो चार दिन में नए साल के गाने का शूटिंग स्टार्ट होने वाला है। और अब बात रही कि हर साल की तरह इस साल भी पवन खेसारी का आरा छपरा पे गाना आएगा। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूँ, दो तीन साल से खेसारी लाल यादव का आरा पे ही गाना आ रहा है नया साल वाला। वही बात की जाए पवन सिंह का, तो पवन सिंह का भी एक बार आया था छपरा पे गाना, जो की आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन इस बार देखा जाएगा पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नया साल का धमाका कैसा होता है। और बात की जाए नया साल का गाना कब तक रिलीज होगा, तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूँ 25 दिसंबर के बाद ही पवन खेसारी का नया साल का गाना आप सभी के बीच रिलीज होगा। तो दोस्तों आप लोग किस स्टार के नए साल के गाने का इंतजार कर रहे हैं, पवन सिंह के गाने का या खेसारी लाल यादव के गाने का, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और भोजपुरी के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव का ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।